नमस्कार दोस्तों, मैं विवेकानंद सिंह और आज मैं आप लोगों के समक्ष एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो कि लगभग हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। मुगल शासन के दौरान बनाए गए स्मारकों से क्वेश्चंस लगातार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो प्रारंभ करते हैं, मुगल शासन के दौरान बनाए गए स्मारक है आज का हमारा टॉपिक। तो पहला है हुमायूं का मकबरा जो कि दिल्ली में है, इसे किसने बनाया था? तो इसे अकबर ने बनाया था। बुलंद दरवाजा जो कि फतेहपुर सीकरी में है, इसे किसने बनाया था? तो इसे भी अकबर ने ही बनाया था। देखिए, इसमें आप कह सकते हैं कि ये अकबर नहीं कोई और बनाए हैं, लेकिन यह उस समय देखा जाता है कि उस समय का शासनकाल किस महाराज का था, किस शासक का था। तो इसलिए हुमायूं का मकबरा यह अकबर के ही शासनकाल में बनाया गया था। शालीमार बाग जो श्रीनगर में है, इसे जहांगीर के द्वारा बनाया गया था। अकबर का मकबरा जो कि सिकंदरा आगरा में है, इसका निर्माण अकबर के द्वारा शुरू किया गया था और जहांगीर द्वारा समाप्त किया गया था। इत्मतदौला का मकबरा जो कि आगरा में है, इसका निर्माण नूर जहां ने करवाया था। जहांगीर का मकबरा जो कि शाहदरा बाग लाहौर में है, इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और ताजमहल जो कि आगरा में है, इसका भी निर्माण शाहजहां ने करवाया था। रेड फोर्ट लाल किला, इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। शालीमार गार्डन लाहौर, इसका भी निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और शाहजहां के शासनकाल को वास्तुकला के हिसाब से स्वर्ण युग में देखा जाता है। मुगल काल में बीवी का मकबरा यह औरंगाबाद में है, इसे नकली ताजमहल भी कहा जाता है। इसका निर्माण आजम शाह ने करवाया था। और सलीम चिश्ती का मकबरा जो कि फतेहपुर सीकरी में है, इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। तो इस छोटे से वीडियो को आप लोगों के समक्ष लाने का हमारा एक ही तात्पर्य है कि आप लोगों का कम से कम समय बर्बाद हो और आपको ऐसा वीडियो मिले, ऐसा जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाए डायरेक्ट। धन्यवाद।